हेलो गाइज, वेलकम टू बुलेट इन्वेटर। तो आज का वीडियो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस यही है कि सिलचर के सभी लोगों ने सफ़र किया है। जो ये जो फ्लड है, सबसे बड़ा फ्लड था और सभी ने बहुत बुरी तरह सफ़र किया है। हम लोगों ने भी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 23 लोग थे और कैसे हम लोगों ने मैनेज किया है उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है। क्योंकि हम लोग ना तो पीने का पानी नहीं था, ना ही नहाने का पानी था, तो कैसे हम लोग ने पानी लाया, खरीद के भी लाया पानी, और कुछ राशन भी मिला हम लोगों को, तो ये पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखा। तो चलिए, ये हम लोग गाड़ी का अलग देखिए, पूरा खिड़की तक पानी डूब चुका है। यहाँ पे देखिए, खिड़की तक आ चुका है पानी, और यहाँ पे देखिए इन लोग मेरा घुटने तक के नीचे पूरा उतरने से तो घुटने के ऊपर आएगा। और यहाँ पे मेरा बाइक, कैमरा कैमरा अच्छा जाओ फिर जाओ। तो अभी मैं आप लोग घर का बैक साइड दिखाता हूँ, देखिए किस तरह का क्या हालत है अभी। ये देखिए, इनका घर डूब चुका है, इनका घर डूब चुका है। तो हम लोग का नीचे का फ्लोर है, मतलब घुटने के ऊपर पानी है, और गेट के पास तो मतलब सर के ऊपर पानी बह रहा है। टोटल 23 लोग थे हम लोग के बिल्डिंग में, और किसी के मोबाइल में चार्ज नहीं था। एक दो लोगों के पास था, वो लोग बाहर जाके चार्ज करके लेके आते थे, लेकिन किसी के पास मतलब टाइम पास करने के लिए कोई मोबाइल भी दबा सकते नहीं था। तो एक ही ऑप्शन बचता है हम लोग के पास, वो है कैरम खेलने का, जो हम लोगों ने खेल खेल के टाइम पास किया हम लोग का। गया गया इधर दो था तो इसको क्या मार रहे, सारा गुट्टी तो मैंने ऐसे मारा जिससे कि सब मेरे तरफ निकला। देखा तो कुछ नहीं, कैमरामैन इधर मत उठा भाई, इधर उठा। मैं गुट्टी को उठा रहा हूँ ना, वीडियो उठा रहे कि क्या उठा रहे तो? सरोज भैया से आंदू मार रहा है आज। आंदू अब गुट्टी नहीं दिख रहा, कहाँ मारूंगा आंदू, अब वो भी नहीं जाएगा। देख चीटिंग है अब भैया, नेक्स्ट बार ये साइड आना, मैं साइड खेलूंगा। ठीक है ठीक है, ये साइड स्लोप ज़्यादा है, यहाँ से जाता नहीं ये गुट्टी। तो अभी लास्ट चार्ज दे रहा हूँ मैं, ये लैपटॉप से दे रहा हूँ चार्ज अभी मोबाइल को, तो इसका भी ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18% चार्ज है, और उसके बाद तो ख़त्म, देखते हैं क्या होता है अभी। हेलीकॉप्टर से राशन देने का बहुत ट्राई किया गया और कुछ लोगों को मिला भी, लेकिन सबको देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। और इसलिए से शायद उन लोगों ने शायद बोट से, जो होता है ना बोट लाला के, NDF या फिर आसाम फॉरेस्ट सर्विस, उन लोगों ने काफ़ी राशन प्रोवाइड किया घर जा जा के। हम लोग को भी लोकल कम्युनिटीज ने भी हम लोग को प्रोवाइड किया, एटलीस्ट पर फैमिली को 2 बोतल या 3 बोतल 1 बोतल मिल रहा था। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं मिलता तो सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता, तो थैंक यू फॉर दिस। एंड फाइनली हम लोगों को 11 दिन बाद करंट दे दिया गया, जिसके वजह से पीने का पानी का प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो गया हम लोग का, लेकिन जो फ्लड का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। हम लोग गली में अभी भी कमर तक पानी है, तो बाइक निकालना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, गाड़ी मेरा डूब चुका है। तो देखते हैं, जब मैं बाइक निकाल पाऊँगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी दिन आएगा, तो देखते हैं 2-3 दिन में शायद सूख जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।